हे गाइस, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही पराठा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी। इसके लिए मैं सबसे पहले गूंथ रही हूँ आटा। आटे में मैंने डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार, आधी चम्मच के लगभग अजवाइन और 2 से 3 चम्मच के लगभग तेल। इन सबको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं एक सॉफ्ट डो इसका रेडी कर लूँगी। जैसे रोटी का आप डो तैयार करते हैं उसी टाइप से सॉफ्ट डो लगाएंगे, ताकि जो फीलिंग है वो आप भर के बेले तो आपको ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत ना पड़े। सॉफ्ट सा डो लगा देंगे, थोड़ा नरम ही। अच्छी तरीके से मस लेंगे हम आटे को, क्योंकि इसमें 3 स्टफिंग डलती है इसलिए आपका डो थोड़ा नरम होना चाहिए, ताकि आपको बेलने में आगे ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए लगभग हमारा आटा रेडी हो गया है। तो अब हम तैयार कर लेते हैं स्टफिंग। पहली स्टफिंग के लिए मैंने ली है सेव, लगभग 2 कटोरी सेव में मैं आधा कटोरी टमेटो सॉस डाल रही हूँ। आप कोई सा भी टमेटो सॉस यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे किसान का यूज़ किया है। इसको मैं मिक्स कर लूँगी और इसके बाद मैंने डाल दिया है ओरिगानो। ये मैंने 1/4 टीस्पून डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी को अल्टर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून डाला है। उसके बाद मैंने चाट मसाला डाल दिया है, ये भी मैं आधे चम्मच से थोड़ा कम ही डाल रही हूँ। और इसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिए लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर भी मैंने चुटकी भर से थोड़ा ज़्यादा डाला है। और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है मैंने। इन सबको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। देखिए ये एक हमारी फिलिंग, 3 में से 1 फिलिंग हमारी रेडी हो गई है लगभग। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको साइड में रख दूंगी। अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर दिया है। ये तुरंत ही बनाए, जब आप पराठे बनाने वाले हो तभी बनाए, नहीं तो सेव गल जाएगी। अब देखिए हम दूसरी स्टफिंग रेडी कर रहे हैं। इसके लिए मैंने तेल लिया है। तेल को गर्म होने के बाद मैंने उसके अंदर डाल दिया है थोड़ा जीरा, लगभग आधा चम्मच जीरा मैंने डाल दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च कटी हुई, बारीक कटी हुई हरी मिर्च मैंने यहाँ पे डाल दी है। हरी मिर्च डालने के बाद ये थोड़ी सी कुक हो गई है, तो इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है मसाले। मसाले में मैंने सबसे पहले डाली है हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर भी यहाँ पे मैंने आधा चम्मच के लगभग डाला है। आप चाहे तो ज़्यादा डाल सकते हैं। ये आलू की स्टफिंग मैं यहाँ पे बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे बड़ी बड़ी हरी मिर्च काट के डाली, आप चाहे तो कूट के भी डाल सकती हैं। यहाँ पे ये मैश्ड पोटैटोज है, मैश कर लिया है मैंने आलू को। और बस इसको मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। इसको मैं डाल दूँगी और अच्छी तरीके से मिक्स होने दूँगी। देखिए आलू की स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। बस इसको भी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और अलग रख देंगे। अब हम बनाएंगे पराठे। पराठे के लिए मैंने आटे को लोई बना ली है, बड़ी सी लोई अब मैंने यहाँ पे बनाई है थोड़ी। इसको मैं बेल दूंगी जैसे रोटी बेलते हैं उस टाइप से। देखिए इस टाइप से मैं इसको सूखा आटा लगा के मैंने इसको बेल लिया है। बेलने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी स्टफिंग। स्टफिंग के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाला है आलू। आलू का जो मसाला हमने अभी रेडी किया था वो मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया है। आलू का मसाला डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे सेव। जो सेव का मसाला हमने रेडी किया था वो डाल रही हूँ मैं। इसको भी हम उसके ऊपर ही रख डाल देंगे। और इसके बाद जो तीसरी स्टफिंग है हमारी वो रहेगी पनीर की। पनीर को मैंने कुछ नहीं किया है, बस पनीर को थोड़ा सा कीस लिया है, जो कीसनी होती है आपकी नॉर्मल, उसमें कीस लिया। इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बस पनीर को भी डाल दिया इनके साथ। और इसको हम पैक कर देंगे फोल्ड करते हुए, इसकी कोने को पैक करके फिर हम इसको बेल देंगे। देखिए हो गया है। तो बस अब हम इसको पैक कर दिया है हमने इसको। बस अब थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे
और इसको बेल लेंगे। सूखा आटा लगा लिया है मैंने और अब मैं इसको अच्छी तरीके से बेल लूँगी, रोल आउट कर दूँगी। ये बेल लिया है मैंने, इस तरीके से बेलने के बाद अब हम इसको सेक लेंगे। मीडियम फ्लेम पे मैं इसको सेकने वाली हूँ घी लगाकर, आप चाहे तो तेल से भी सेक सकते हैं। और सेकने के बाद मैंने जैसे पहले बताया था, मैंने इसके ऊपर चीज़ और मेयोनीज डाल के सर्व करा है। आप चाहे तो बिना मेयोनीज या बिना चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़, जो ग्रेटेड चीज़ होता है वो डाल के और थोड़ा सा मेयोनीज डाल के सर्व किया है। मैं यहाँ पे घी से सेक रही हूँ। आप चाहे तो इसको दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा हैवी नहीं बनाना चाहते इसको तो। अदरवाइज़ जो मार्केट में मिलता है वो चीज़ और मेयोनीज वगैरह डाल के ही मिलता है, तो उससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। बस मेरा पराठा लगभग बन गया है। बस अब आप इसको सर्व कीजिए गर्मा गर्म दही के साथ या सॉस के साथ या चीज़ के साथ।